आज हम लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को अगर हम लोग बैटरी के साथ लगाएं और स्विच बंद करें तो उस कंडीशन में हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। कुछ ऐसे सवाल आते हैं हीट प्रोड्यूस्ड के कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड। जो हीट पैदा होगी वो कितनी होगी ये देखने जा रहे हैं। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है और ये स्विच जो है ये अभी फिलहाल खुला हुआ है। बैटरी का EMF E है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है। हम लोग ये जानते हैं कि जो भी सर्किट में हीट पैदा होगी वो होगी रेजिस्टर के अंदर ही, कैपेसिटर में कोई हीट पैदा नहीं होती है। लेकिन जब हम इस स्विच को बंद करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ ना कुछ हीट पैदा होगी। तो ये हीट कितनी पैदा होगी ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, फिलहाल टी बराबर जीरो पर हमने स्विच को बंद कर दिया। अगर मैंने स्विच को बंद कर दिया तो इससे करंट फ्लो करना चालू करेगा और करंट फ्लो करते करते लंबे समय के बाद जब काफ़ी समय बीत जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इस सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, इस सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और ये रजिस्टर जो है जब इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा तो इस रजिस्टर का ड्रॉप जीरो आएगा और इस कैपेसिटर के ऊपर अगर इसका EMF E है तो इस कैपेसिटर पर चार्ज C हो जाएगा और इस पर माइनस C हो जाएगा, मतलब इस प्लेट पे कैपेसिटर की C चार्ज होगा, इस पर माइनस C हो जाएगा और करंट की वैल्यू लंबे समय के बाद जीरो आ जाएगी। अब इस दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस पर चार्ज जीरो था और इस पर भी जीरो था, लेकिन अभी फिलहाल इस वाली प्लेट पर चार्ज हो गया है माइनस सी। इसका मतलब यह है कि माइनस सी चार्ज इधर से निकल करके और इस तरफ वाली प्लेट पर आ गया है। यहाँ से माइनस सी चार्ज निकला है और वो निकल करके इस वाली प्लेट पर आ गया है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो बैटरी है उस बैटरी ने क्या किया है कि यहाँ से माइनस सी चार्ज, मतलब यहाँ से सी चार्ज निकाला है और सी चार्ज को निकाल के यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि सी चार्ज निकाला है तभी तो माइनस सी आ गया। तो अब कुल मिला के इस तरह के जो सवाल होते हैं इसके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि देखिए बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी मान लीजिए 100 जूल वर्क करती है, इसके अंदर जो स्टोर हो रहा है मान लो 50 जूल हो रहा है, तो बैटरी ने वर्क किया, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो कुछ हुई, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। मतलब बैटरी ने 100 जूल काम किया, मान लो उसमें 50 जूल स्टोर हुई, तो बाकी की जो 50 जूल है वो रजिस्टर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो इस तरह के सवालों के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच। डेल्टा यू जो है वो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, डेल्टा यू इज चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा यू इज चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेल्टा यू जो है वो सिस्टम की एनर्जी का चेंज है और एच जो है दैट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। जो वर्क डन बाय द बैटरी है वो डेल्टा यू प्लस एच के बराबर है, जहां पर डेल्टा यू सिस्टम की एनर्जी का चेंज है और एच जो है वो हीट प्रोड्यूस है। आप ऐसे समझे सीधे सीधे कि बैटरी ने 100 जूल काम किया, सिस्टम की एनर्जी 30 जूल बढ़ गई, तो जो बाकी अनअकाउंटेड एनर्जी है वो 70 जूल हो जाएगी, तो 70 जूल हीट प्रोड्यूस हो गई। मतलब ये एक सीधी सी बात है, किसी भी सिचुएशन में जो वर्क डन बाय द बैटरी होगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में वो बराबर होगी डेल्टा यू प्लस एच, डेल्टा यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एच इज हीट प्रोड्यूस्ड। अब इसके अंदर क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग यही रूल लगाते हैं। ध्यान से देखा जाए बैटरी का EMF E है और इस बैटरी से C चार्ज फ्लो किया है, तो किसी भी अगर आप याद करें तो जो वर्क होता है वो किसी भी जैसे कोई चार्ज V पोटेंशियल ड्रॉप से गुजरा तो जो वर्क होता है वो Q डेल्टा V के बराबर होता है। तो यहां से C चार्ज निकला है और E पोटेंशियल डिफरेंस को पार किया है उसने, तो जो बैटरी का वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू C इनटू E, ये बैटरी का वर्क हो जाएगा। चार्ज यहां से सी निकला है और बैटरी का ड्रॉप ई है, तो बैटरी का वर्क हो जाएगा सी इंटू ये बराबर हो जाएगा चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस हीट प्रोड्यूस।
सिस्टम की एनर्जी में लिखता हूँ, शुरू में इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं थी शुरू में क्योंकि ये अनचार्ज था, और बाद में इसके पास जैसे डेल्टा यू को मैं लिख दूंगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस एच, तो शुरू में इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, इनिशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी, और फाइनली जब ये फुली चार्ज हो गया है तो इसके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो हाफ सी स्क्वायर हो जाएगी। तो बैटरी का वर्क हुआ सी स्क्वायर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई वो हाफ सी स्क्वायर हुई, तो यानी जो बची हुई एनर्जी है वही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हीट प्रोड्यूस्ड हाफ सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। तो जैसे अभी बैटरी का जो वर्क होता है उसके हिसाब से हीट प्रोड्यूस देखा, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर वर्क डन के हिसाब से हमें हीट प्रोड्यूस जो है वो निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं आईटी में नीट में, तो एक ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, बैटरी का जो ईएमएफ है ये ईएमएफ बताया 2E के बराबर, और इसका कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है। क्वेश्चन में ये इन्होंने बता रखा है कि इस पे पहले से ही चार्ज सी ही है और इस वाली प्लेट पे माइनस सी है, इस प्लेट पे चार्ज सी प्रेजेंट है, इस पे माइनस सी प्रेजेंट है, बैटरी का ईएमएफ 2E के बराबर है और ये स्विच अभी खुला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी इन ए लॉन्ग टाइम। सिचुएशन क्या है मैं बता रहा हूं, ये बैटरी पहले से, ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है, इसपे सी चार्ज है, इसपे माइनस सी, बैटरी का ईएमएफ 2E के बराबर है और स्विच खुला हुआ है। अचानक से हमने स्विच को बंद कर दिया, तो स्विच बंद करने के बाद आपको ये बताना है कि लंबा समय जब बीत जाएगा, काफी टाइम बीत जाएगा, तो उस दौरान बैटरी ने कितना वर्क किया होगा। आप 2 मिनट का पॉज लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मेरे साथ सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा, ये इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और करते करते लंबे समय के बाद हम ये जानते हैं कि जो सर्किट का करंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट इन द सर्किट बिकम जीरो, लंबे समय के बाद इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, और ये बैटरी का ईएमएफ 2E है तो इस कैपेसिटर का ड्रॉप भी 2E हो जाएगा, और इस कैपेसिटर पे चूंकि इसमें कोई करंट नहीं है तो जो ड्रॉप इसका है वही इस पूरा इसको मिल जाएगा, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा 2C और इस पर हो जाएगा -2C। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो कैपेसिटर था इसके ऊपर पहले चार्ज था -C, अभी इसके ऊपर चार्ज -2C है, इसका मतलब जैसे मान लो पहले था इस पर -2, अभी इस पर -4 है, डबल हो गया, इसका मतलब यहाँ से जैसे पहले था -C अब -2C है, तो यहाँ से सी चार्ज निकला होगा और निकल के ऐसे चला गया होगा। तो अब यहाँ से सी चार्ज, अच्छा चार्ज जम करके डायरेक्ट इधर से इधर नहीं जाता कैपेसिटर में, कभी भी कैपेसिटर में चार्ज छलांग लगा के ऐसे नहीं जाएगा, उछला और इधर से इधर भेज गया, उसको हमेशा बैटरी के ही रास्ते जाना होगा। तो जब ये बैटरी के रास्ते जा रहा होगा तो यहाँ पहले -C चार्ज था, अब यहाँ -2C है, तो सी चार्ज निकल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। अब आपसे पूछा है वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। अब बैटरी का वर्क कितना होगा, बैटरी का जो ईएमएफ है मतलब क्यू डेल्टा भी वर्क करती है बैटरी, अगर उससे क्यू चार्ज गुजरा और पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो बैटरी का वर्क होगा क्यू डेल्टा भी। तो जो चार्ज यहां से निकल के गया था वो तो सी गया था, और बैटरी का जो ड्रॉप है वो 2E के बराबर है, तो जो बैटरी का वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू 2C स्क्वायर। जो बैटरी का वर्क हो जाएगा वो 2C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझे, यहाँ पे चार्ज पहले -C था,
फाइनली इसी प्लेट पे चार्ज देखें माइनस टू सी आ गया, यानी यहाँ से सी चार्ज निकल करके यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। जब सी चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो उस दौरान ये बैटरी से गुजरा होगा, चार्ज छलांग लगा के नहीं जाता, जंप लगा के नहीं जाता, ये बैटरी से गुजरा होगा। तो वर्क डन बाय द बैटरी या किसी भी पोटेंशियल ड्रॉप वी से जाएगा तो क्यू डेल्टा वी वर्क होता है, चार्ज सी गुजरा है डेल्टा वी टू ई के बराबर है, तो वर्क डन टू सी के टू सी स्क्वायर के बराबर जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, दूसरा पार्ट जो बनता है वो मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इस प्रोसेस में कितनी हीट पैदा हुई। तो अभी भी मैंने आपको हीट प्रोड्यूस का रूल बताया था, हीट प्रोड्यूस का रूल ये होता है कि जो भी वर्क डन होती है बैटरी करती है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच। बैटरी जो भी काम करेगी वो काम या तो, मतलब इसको बहुत कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है कि बैटरी जो भी काम करेगी वो काम या तो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा या हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो बैटरी ने जो काम किया वो या तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी जो एनर्जी बच रही होगी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो आप देखें इसमें वर्क डन बाय द बैटरी हम पहले ही निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, तो वर्क डन बाय द बैटरी इज टू सी स्क्वायर। सिस्टम की एनर्जी का चेंज देखें, फाइनली चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली इसका ड्रॉप टू ई है, तो इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू सी इंटू टू ई का स्क्वायर। इनिशियली इसके इसके ऊपर चार्ज सी था तो इसका ड्रॉप ई के बराबर था, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी स्क्वायर प्लस एच, ये हो जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ कॉर्नर में करते रहूँ मैं, टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू सी स्क्वायर माइनस वन बाई टू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू सी स्क्वायर प्लस एच। सॉल्व करने पे एच की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से हाफ सी स्क्वायर आ जाएगी। ऐसा जो नहीं कि हर बार ये हाफ सी स्क्वायर आएगा, लेकिन फिलहाल इस केस में एच की वैल्यू जो है वो हाफ सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ध्यान रहे बैटरी का जो भी वर्क होता है, जो भी सिस्टम वर्क करता है वो या तो, जैसे आपको मान लीजिए हजार रुपये दिए गए, हजार रुपये में क्या होगा, या तो आप कुछ पैसा रख लेंगे या खर्च कर देंगे। तो यहाँ ये बैटरी ने जो भी वर्क किया है वो या तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी या खर्च हो जाएगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, तो हीट जो आएगी यहाँ पर हाफ सी स्क्वायर के बराबर हीट आ जाएगी। स्टार्ट, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हीट जो प्रोड्यूस होती है ना वो कितनी होती है, उस पर सवाल करा रहा था मैं आपको, सवालों की प्रैक्टिस। एक ये सवाल आ रहा है, इसके अंदर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, सी चार्ज इस पे है, इस पर माइनस सी चार्ज है, और ये जो बैटरी है इसका जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है, ठीक है, और हमने टी इज इक्वल टू जीरो पर स्विच को बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ही आ रहा है, फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द and total heat produced after the switch is closed. Closed. Fine. Total heat produced after the switch is closed. Switch close करने के लंबे समय के बाद total कितनी heat इसके अंदर produce हुई है, ठीक है। तो अगर हमें total heat produced निकालनी है तो switch बंद करने के बाद जब जैसे हम स्विच बंद कर देंगे तो कुछ समय के बाद स्विच बंद करने के बाद करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, लॉन्ग टाइम के बाद करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, तो ये रेजिस्टर का ड्रॉप जीरो हो जाएगा। इस रेजिस्टर का ड्रॉप जीरो हो जाएगा तो जो इस बैटरी का ड्रॉप होगा वही रेजिस्टर का होगा। बैटरी का ईएमएफ ई है तो इस कैपेसिटर का ड्रॉप भी ई हो जाएगा, तो इस प्लेट पर चार्ज सी आ जाएगा और इस प्लेट पर चार्ज माइनस सी आ जाएगा। ये वाली जो प्लेट है इस पर सी चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस सी के बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें यही पता लगाना है कि कितनी हीट पैदा हुई है, तो उसमें जो नियम है मैंने आपको नियम बता दिया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी जो भी वर्क करेगी वो बराबर होगा सिस्टम की एनर्जी में चेंज प्लस हीट प्रोड्यूस्ड। सिस्टम की एनर्जी जितनी बढ़ेगी और जो नहीं बढ़ पाएगी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो अभी देखें ध्यान से, इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज था, इस प्लेट पे पहले जो चार्ज था, अगर आप दोनों फिगर साथ देखें, इस पे पहले चार्ज था माइनस सी,
अभी इस पे चार्ज है प्लस सी, तो इसका मतलब है कि इस वाली प्लेट पर 2c चार्ज इधर से आया हुआ है, जैसे पहले इस पे माइनस सी था, अभी सी है, तो 2c इधर से आया होगा। इस प्लेट को देखें, इस प्लेट पे पहले सी था, अब इस पे माइनस सी है, यानी यहाँ से 2c चार्ज निकल करके इधर आया होगा। तो बैटरी से जो गुजरने वाला चार्ज होगा वो 2c के बराबर होगा। तो बैटरी का वर्क कितना हो जाएगा, बैटरी का वर्क क्यू डेल्टा वी होता है, तो चार्ज बैटरी से गुजरा है 2c और बैटरी का ड्रॉप ई के बराबर है, तो ये वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा। सिस्टम की एनर्जी में चेंज, देखो पहले भी इसकी एनर्जी हाफ सी स्क्वायर थी, अभी भी हाफ सी स्क्वायर है, तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा, हाफ सी स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर प्लस एच। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस आएगा उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2c स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ये हीट प्रोड्यूस आ जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस वाले सवालों में आपको यही ध्यान रखना होता है कि वर्क डन बाई द बैटरी जितना भी काम करती है या तो वो स्टोर हो जाएगा या वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो वर्क डन बाई द बैटरी हमने लिखा 2c इंटू सी, और ये सिस्टम की एनर्जी पहले भी हाफ सी स्क्वायर थी, अभी भी हाफ सी स्क्वायर है, डिफरेंस लेंगे तो एच की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे रेजिस्टर में होते थे ना दो तरह के कॉम्बिनेशन, उसी तरह से कैपेसिटर्स में भी दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है इसको समझे। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ऐसे कई सारे हैं, मान लीजिए 4, 5, 6, 5, 50 है, ठीक है, और ये इस तरह से आपस में अरेंज्ड है, इस तरह से आपस में अरेंज्ड है। समझाने के लिए मैं एक बैटरी भी लगा दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह से कैपेसिटर्स आपस में अरेंज्ड है, इसका कैपेसिटेंस मान लिया सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान यही होगी कि अगर सीरीज में, जैसे रजिस्टर में याद करो आप, तो रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता था ना जब करंट सेम फ्लो करता था, उसी तरह से कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर चार्ज सेम होना जरूरी है। इन तीनों के अंदर अगर चार्ज सेम आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको सीरीज के हिसाब से डील करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन बनती है, जो एकदम जैसे कहते हैं ना सरकारी डेफिनेशन, एकदम ऑफिशियल डेफिनेशन, वो ये है कि इफ टू और मोर इनिशियली अनचार्ज्ड, टू और मोर इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ टू और मोर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज ऑन देम विल बी सेम, देन चार्ज ऑन देम विल बी सेम। टू और मोर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज ऑन देम विल बी सेम। दो या अधिक अगर अनचार्ज कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन पर जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा, इन पर चार्ज की वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें वही है कि जैसे मान लीजिए कि ये तीन कैपेसिटर सीरीज में थे, हमने स्विच खुला हुआ था पहले और फिर हमने स्विच को बंद किया, तो बंद करने के बाद जैसे मान लीजिए कि इस वाली प्लेट से ये बैटरी है, चार्ज को इधर से खींचेगी, इस वाली प्लेट से मान लेते हैं क्यू चार्ज निकल गया, तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, ये जो क्यू निकल के जाएगा वो इस पर आएगा, अच्छा इस पे क्यू होगा तो फिर इस पे माइनस क्यू होगा, प्रूव कर रखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में। फिर यहाँ पहले जीरो था, अभी इस पे माइनस क्यू है, इसका मतलब इस पे क्यू हो जाएगा, फिर इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, फिर इस पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब ये जितने भी कॉम्बिनेशन वाले सवाल होते हैं, चाहे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, चाहे कैपेसिटर का, आगे इंडक्टर का आएगा, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखा होगा, सबके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं इन सबके अंदर हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर इन सारे कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर रख दें तो उस एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं।
हम इन सारे कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगा दे रहे हैं और उसका कैपेसिटेंस हम सी इक्विवेलेंट लिख ले रहे हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, किसी भी जगह पर अगर इक्विवेलेंट आता है तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कई बार ना कि ये 10 लोग जो है, ये एक आदमी जो है वो 10 लोगों के बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 लोगों के बराबर है, इसका मतलब ये कि जो काम 10 लोग करते हैं वो काम वो आदमी अकेला करता है। तो अगर इन सारे कैपेसिटर की जगह हम एक कैपेसिटर डालते हैं तो ये सारे कैपेसिटर जो मिलके काम कर रहे हैं वो काम इस कैपेसिटर को अकेले करना पड़ेगा। ये सारे कैपेसिटर मिलके क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा कर रहे हैं। तो इन सब इस पूरे सिस्टम का जो अकेले का भी पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब का अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इस अकेले का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी आना चाहिए। इन सब का चार्ज अगर क्यों है तो इस अकेले का चार्ज भी क्यों आना चाहिए। तो अगर जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो ये बैटरी भी हम वी पोटेंशियल डिफरेंस के लेंगे, और इन सारों पर जो चार्ज है वही चार्ज इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये इक्विवेलेंट कहा जाएगा। अब अगर हम इस वाले इसके लिए, इस पूरे के लिए केवीएल लगाएं, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस जगह से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ में जाता हूँ तो पोटेंशियल वी बढ़ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो जो पोटेंशियल होगा वो क्यू बाई सी वन कम हो जाएगा, इसका चार्ज क्यू है, पोटेंशियल सी वन है, तो यहाँ फिर आगे जाऊँगा तो ये क्यू बाई सी टू कम हो जाएगा, फिर ये क्यू बाई सी थ्री कम हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे एक अकेले के लिए लिखूंगा तो इस एक अकेले के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो पोटेंशियल V बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, इस एक अकेले के लिए ये जीरो के बराबर हो गया, तो V जो है वो क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट के बराबर भी हो जाएगा, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, ये बन जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, अगर मान लीजिए बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं तो उन सबका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इस तरह से दिया जाएगा। रेजिस्टेंस में उल्टा होता था, रेजिस्टेंस के अंदर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान थी, लेकिन कैपेसिटेंस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है। तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट हो जाएगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। एक इसके अंदर बात जो है वो आपको समझनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है ना, ये C1, C2, C3 सबसे छोटा आ रहा है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 से भी छोटी, C2 से भी छोटी, C3 से भी छोटी। इसका मतलब ये है कि इस C इक्विवेलेंट के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि C इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है इन सब में, C इक्विवेलेंट C1, C2, C3 में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं C इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है कैपेसिटर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी चीज को प्रूव करने का एक और तरीका हमारे पास है, ठीक है, इसको हम एनर्जी मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, इसको हम एनर्जी मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। एनर्जी मेथड से कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान है, एनर्जी जो मेथड होता है ये प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसका एनर्जी मेथड जरा देखिएगा, इसको प्रूव करने का जो एनर्जी मेथड है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब जो मैंने आपको बताया है वो यही बताया है, और ये आपको समझना है और ये फिजिक्स की हर ब्रांच में समझना है। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि वो सारे मिलके जो काम कर रहे हैं ना वो अकेला कर डाले। तो अगर वो सारे मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर डाले तभी इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो अगर एनर्जी मेथड से हम देखें तो हमें क्या होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर के जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ये तीन के तीनों मिलकर के जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो इस अकेले में होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन, इसमें एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर अपॉन सी टू, इसमें एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर अपॉन सी थ्री, और उस अकेले में होगी क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विवेलेंट। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया और यही रिजल्ट आ गया। इक्विवेलेंट का मतलब फिर हर तरह से इक्विवेलेंट, पोटेंशियल के सेंस में भी, चार्ज के टर्म में भी, एनर्जी के टर्म में भी, हीट के टर्म में भी, जितने भी कंटेक्स्ट होते हैं सारे कंटेक्स्ट में उसको इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। तो ये सारे मिलकर के जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो अगर अकेला ये कर डाले तब फिर ये इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो आप देखेंगे तो क्यू स्क्वायर सारे कट गए और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो जैसे हम कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो सीरीज में जोड़ते हैं तो जैसे मान लो जब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनमें वोल्टेज का बंटवारा होता है।
तो वोल्टेज का बंटवारा किस तरह से होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस पे भी सवाल आते हैं, तो वो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए दो रेजिस्टर्स हैं, 2000 भी होंगे तब भी हम लोग इसी तरह सोचेंगे, लेकिन अभी दो मतलब मैं ले रहा हूँ, ये C1 है ये C2 है, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, और बैटरी का ड्रॉप मैं मान लेता हूँ कि V0 है, ये बैटरी का ड्रॉप है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। जैसे मान लेते हैं इसका ड्रॉप मैंने V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, तो बैटरी के पास जो ड्रॉप है वो V0 के बराबर है। अब V0 में से थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा। अगर मैं KVL लगा के यहाँ लिखना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो V0 वोल्टेज बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो V1 कट गया, फिर V2 कट गया, ये 0 के बराबर जाए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0, V1 प्लस V2 यानी इन दोनों का ड्रॉप का जो जोड़ आएगा वो V0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई जैसे V1 प्लस V2 V0 के बराबर हो जाएगा, अब इसके अंदर जो चार्ज है और इसके अंदर जो चार्ज है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये भी पहचान होती है कि इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो CV होता है, तो इस वाले कैपेसिटर का जो चार्ज आएगा, इस वाले कैपेसिटर का, वो आएगा C1 V1, और इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो C2 V2 आएगा। तो चूंकि दोनों के चार्ज बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही, तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ आ गया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0, एक ही आ गया। अब मैं जैसे V1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये V1 प्लस V2 की जगह मैं लिख दूंगा C1 V1 upon C2 इज इक्वल टू V0, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 upon C1 plus C2 into V0, ये V1 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, और V2 की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो आ जाएगी C1 upon C1 plus C2 into V0, याद है। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ समझिएगा कि वोल्टेज का बंटवारा जो हुआ है, वोल्टेज जैसे 100 वोल्ट था, 30 एक को मिला, 70 को एक को मिला, तो वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में होता है। देखिए V1 जहाँ था ना, उसके बाद सामने C2 आया है, और V2 जो था उसके सामने C1 आया है, यानी कैपेसिटी का जो भी बंटवारा होगा, वोल्टेज का जो भी डिवीजन होगा, वो कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में आएगा। कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में V1 में C2 आ जाएगा, V2 में C1 आ जाएगा, इस तरह से। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको ड्रॉप कम मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसको ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। ये आपका वोल्टेज का डिवीजन है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर देखेंगे तो V1 के सामने C2 आ रहा है और V2 के सामने C1 आ रहा है। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा, सीरीज पे हम दोबारा लौट करके आएंगे, लेकिन अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, समांतर संयोजन हिंदी में कहते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रजिस्टर में जो होता था वही यहाँ भी है, कि दो या अधिक कैपेसिटर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो टू और इफ लगा देता हूं मैं, इफ टू और मोर कैपेसिटर्स, टू और मोर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ टू और मोर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम विल बी सेम। दो या अधिक कैपेसिटर्स है मान लीजिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। जैसे इसका कैपेसिटर मैं C1 मान लेता हूँ,
इसका सी टू, इसका सी थ्री। अब अगर इन सारे कैपेसिटर्स की जगह मैं एक कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ, तो उसी अकेले कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, उसको मैं सी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस में एक बैटरी लगा देता हूँ वी वोल्ट की, एक वी वोल्ट की मैंने इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस बैटरी लगा दी, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब कि ये सारे मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर डाले, तो यानी कि इन तीनों में जो मिलके चार्ज आ रहा है वो इस अकेले में आ जाए, और इन तीनों का जो ड्रॉप है वो इस अकेले का ड्रॉप हो जाए ना, तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो ये अकेला कर डाले। तो मैंने मान लिया कि इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू वन, इस पर मैंने मान लिया क्यू टू चार्ज है इस कैपेसिटर पे, और इस पर मैंने मान लिया क्यू थ्री चार्ज है, ठीक है। और इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज मैंने मान लिया क्यू है, तो ये तीनों मिला करके जितना चार्ज है उतना ही अकेले पे होना चाहिए। तो इसका मतलब कि क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ये तीनों मिलके जितना चार्ज इनके पास आ रहा है वो इस अकेले के ऊपर चार्ज आना चाहिए। तो क्यू जो है वो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री होगा। अब मैं क्यू की जगह लिखता हूँ, ये जो क्यू आएगा ये क्यू बराबर सी वी होता है, तो इस क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सी इक्विवेलेंट इनटू वी, क्यू वन की जगह सी वन इंटू बी, क्यू टू की जगह सी टू इंटू बी, क्यू थ्री की जगह सी थ्री इंटू बी। सब काट पीट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि देखिए जो C इक्विवेलेंट होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों से बड़ा होगा। इसको हम कहते हैं लार्जर देन द लार्जेस्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में था स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था उससे भी छोटा है, लेकिन सॉरी सीरीज में सबसे जो छोटा था उससे भी छोटा है, पैरेलल में जो होगा ये लार्जर देन द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लार्जर देन द लार्जेस्ट, लार्जर देन द लार्जेस्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, लार्जर देन द लार्जेस्ट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो तरीका ये जो था इसको हम एनर्जी मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुली देखें तो इक्विवेलेंट का मतलब ये कि हर कंटेक्स्ट में इक्विवेलेंट हो। ये तीनों मिलके जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो इस अकेले में एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तीनों मिलके कितनी कर रहे हैं, ये वाली जो एनर्जी, ये वाला जो एनर्जी स्टोर करेगा, अगर मैं इसको अलग से लिखता हूँ हो जाएगा हाफ सी वी, हाफ सी वन वी स्क्वायर। ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप सबका सेम है, ये हो जाएगा हाफ सी टू वी स्क्वायर। तीसरे वाले का जाएगा हाफ सी थ्री वी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये हाफ हाफ वी स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर बाई टू सबसे कट जाएंगे, और यही आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो जैसे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें हमें ये तो पता है कि भाई सबका वोल्टेज बराबर होता है, सबका वोल्टेज बराबर होता है, लेकिन चार्ज सबके पास अलग अलग होता है। तो चार्ज किस हिसाब से बढ़ता है, चार्ज का बंटवारा कैसे होता है वो जानने जा रहे हैं हम लोग, चार्ज डिवीजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास मैं दो कैपेसिटर बना रहा हूँ, 2000 कैपेसिटर भी होंगे स्टिल वो बात सही होगी, दो इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा काम अपना जल्दी हो जाए। तो जैसे अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे ये पैरेलल में है दोनों, और इस कॉम्बिनेशन का ड्रॉप वी के बराबर है, ठीक है, और यहाँ से कुल चार्ज मान लीजिए यहाँ से कुल चार्ज क्यू आया है, तो चार्ज क्यू जो आया है उसमें से थोड़ा सा इसको मिलेगा और थोड़ा इसको मिलेगा। मान लीजिए यहाँ से क्यों चार्ज आया, तो ये चार्ज का बंटवारा होगा, थोड़ा इसको चार्ज मिल जाएगा, थोड़ा इसको मिल जाएगा। तो अब जो इसको और इसको चार्ज मिलेंगे, तो इसका जो चार्ज आएगा क्यू वन ये बराबर जाएगा सी वन भी, और जो इस पे चार्ज क्यू टू आएगा इट विल बी इक्वल टू सी टू भी। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू विल बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, एक बात। और दूसरा कि क्यू वन प्लस क्यू टू जो है वो टोटल चार्ज क्यू के बराबर था, जो भी चार्ज क्यू आया था थोड़ा इसको मिल गया था, थोड़ा इसको मिल गया था। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे Q2 की, वैल्यू रख देंगे Q2 आएगा Q1 into C2 upon C1 is equal to Q, और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो क्यू जो आएगा वो सी वन अपॉन सी वन पर सी टू आ जाएगा इंटू क्यू, ये क्यू वन आ जाएगा और क्यू टू जो आएगा वो आएगा सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्यू, ये क्यू वन क्यू टू की वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में बढ़ता है, क्यू वन के साथ देखो सी वन आ रहा है, क्यू टू के साथ सी टू आ रहा है, तो चार्ज यहाँ पर कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड होता है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसके पास चार्ज कम होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।